Hello, my name is A.K. Sharma. I'm right now 72 years old, having so far no problem at all. In 2013-14, I just came to know, okay, I'm suffering from the prostate problem. Ultimately, finally, they done the biopsy, confirmed that it's a prostate cancer problem. During cancer problem recognition, definitely it was a shocking news for a person who has never had any problem throughout my life of the 70 years. Lekin, theek hai, jo kuch hota hai, so we accepted the problem. Ultimately, we were just doctor advised it is better to go for radiation, then hormone therapy, and then surgery or the option. Ultimately, the doctor advised me that since you are medically healthy and you can tolerate the surgery, so I think it is a better part, you just go for surgery, then rest option will be available for all the time. So we are just looking for a better, which could be the better way of the surgery. Options were the open surgery, laparoscopy, and then finally we just come to know that robotic could be the latest in the field of the surgery. सबसे बड़ी बेहतर बात ये थी डॉक्टर इतने जल्द से मिलने के बाद एक उम्मीद की किरण जगी एक I think this is the what I'm looking for the robotic surgery. He is the right person to perform this surgery. उनसे करने के बाद एक कॉन्फिडेंस का लेवल मरीज में बढ़ा मैं और मेरे परिवार के जितने और सपोर्टर सिस्टम थे दे ऑल्सो बी मेड ए ग्रुप डिस्कशन एट घर पर जाने के बाद एंड आई थिंक वी कम टू अ कंक्लूजन कि वी आर इन द राइट हैंड गोइंग टू इन टू द राइट हैंड मेरा सर्जरी का मॉर्निंग 8 बजे शुरू हुआ था एंड नेक्स्ट डे अब 8-10 बजे जब डॉक्टर साहब दोबारा मिल रहे तो शर्मा जी एक बार खड़े होकर देखे ना इट वॉज ए सरप्राइज टू एवरीबॉडी के 24 घंटे बाद ही वॉज आस्किंग मी टू एक बार खड़े होकर देखो हमारा 3 दिन का स्टे रहा अपोलो में और 3 दिन के अंदर सेकेंड डे इवनिंग शाम को मैं खड़ा भी हुआ बाकी तक है एंड 4th और 5th डे आई वॉज जस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल वॉकिंग एंड बजाय इंस्टेड ऑफ आई वॉज इंसिस्टिंग कि मैं अदर पैदल चल के ही गाड़ी तक जाऊँगा दे से कि नो इट इज़ बेटर टू टेक व्हील चेयर बट आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी उसके पश्चात सारा एक अनुभव ये रहा कि तनेजा साहब के साथ काम करने के बाद बातचीत करने के बाद में एक बहुत बड़ा था एक भरोसे वाली बात आई कि वो पेशेंट को एक पूरा सेटिस्फाइड करके भेजते थे और जब भी वो कहते थे शर्मा जी और कोई सवाल हो आप तब उठ के जाएंगे जब आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे सो मोर ओवर आई अप्रिशिएट द डिसीजन ऑफ गोइंग फॉर द रोबोटिक सर्जरी वॉज ए रियली वंडरफुल एंड हमने शायद जीवन में ईश्वर की कृपा से एक सही डिसीजन लिया और ईश्वर की कृपा से एक हमको एक सही डॉक्टर मिल गए जिन्होंने हर तरह से मेरे को हेल्प किया ईश्वर की कृपा से एंड आई विश ऑल द सक्सेस टू डॉक्टर राजेश तनेजा एंड हिज टीम मेंबर्स एंड टू द अपोलो टीम ऑल्सो